हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द फॉलोइंग कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट्स। और फॉलोइंग कर्व जो है वो है हमारे पास एक्स बाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर टू ए माइनस एक्स। हम पहले इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, कर्व ट्रेसिंग से देखते हैं कि कर्व को ट्रेस कैसे करते हैं, कर्व कैसे बनाते हैं, ये हम इसमें देखेंगे पहले। उसके बाद हम उसका एरिया निकालेंगे, उसके एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। एसिम्प्टोट्स क्या होती है? अनंत स्पर्शी, जो कि ऐसी लाइन जो उस कर्व को अनंत पे जाके, इन्फिनिटी पे जाके टच कर रही हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट लेट क्रिएट कर बाई बराबर अगर माइनस बाई पुट करें इस क्वेश्चन में, तो हम देखते हैं कि जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं होती है। अगर वो चेंज नहीं होती है तो उस कंडीशन में देखेंगे जो वाई बराबर माइनस वाई पुट करने पे इक्वेशन चेंज नहीं हो रही है, तो जो कर्व है वो एक्स अक्ष के सिमेट्रिक, यानी एक्स अक्ष के एक तरफ जिस तरह से कर्व बनी हुई है, एक्स अक्ष के दूसरी तरफ भी सेम ही कर्व है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स माइनस वाई स्क्वायर अगर जैसे हमने पुट करके देखा तो वही सेम कर्व आ गई। तो यहाँ से हम कहेंगे विच इज इक्वल टू द गिवन कर्व, और जो कर्व सिमेट्रिक अबाउट टू एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स बराबर माइनस एक्स पुट करें तो उस कंडीशन में कर्व चेंज हो जाएगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि वाई एक्स के सिमेट्रिक है। अब हम देखते हैं कि अक्ष पे जहाँ पे एक्सिस होते हैं वहाँ पे ये किस किस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो हम देखते हैं पुट एक्स बराबर जीरो, अगर पुट करते हैं इस क्वेश्चन में एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर जीरो होने पे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वाई की इन्फिनिटी वैल्यू आती है। जो एक्स बराबर जीरो यहाँ से हम निकालते हैं अगर वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हम देखते हैं किस तरह से निकाल सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर फोर ए स्क्वायर टू ए माइनस एक्स, जो कि हो गया फोर ए स्क्वायर टू ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर यहाँ पर जीरो पुट होगी तो ये इन्फिनिटी पर जाएगी, यानी वाई को एज इन्फिनिटी पर टच करेगी। और अगर हम वाई बराबर जीरो पुट करते हैं तो सिंपली वाई बराबर जीरो पुट करते हैं तो वाई बराबर ये जीरो पुट हो गया, ये मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, ये जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है तो एक्स बराबर टू ए, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स बराबर टू ए। अब यहाँ से हम रेंज देखते हैं, क्योंकि हमारे पास वाई स्क्वायर है तो रूट वाई कर लेते हैं, और यहाँ से हम एक्स की रेंज देखते हैं कि एक्स कब कब डिफाइन होगा, कब डिफाइन होगा जब ये अंदर का नंबर हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास डिफाइन होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर ये पॉजिटिव, अगर कुछ नेगेटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है, तो इस कंडीशन में ये नेगेटिव हो जाएगा और पूरा नंबर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। तो फिर यहाँ से अब, और 2a से बड़े नंबर के लिए हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो 2a से बड़े नंबर के लिए भी ये डिफाइन नहीं है। तो x की रेंज आएगी हमारे पास 0 से और 2a के बीच में, x को हम डिफाइन कर सकते हैं। और एसिम्प्टोट्स y इन्फिनिटी पे कब जा रहा है फ्रेंड्स, जब x टेंस टू 0 जा रहा है, तो x बराबर 0 जो हुई इसकी एसिम्प्टोट्स हुई। अब फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स लेके हम ग्राफ पॉइंट्स जो कि x की, कुछ पॉइंट्स लेके x एक्स पे कुछ पॉइंट लिए हमने, 0 a बाई 2 a 3 a बाई 2 एंड 2 a लेके हमने y की वैल्यू निकाली, और उस बेस पे एक हमने डुप्लीकेट डायग्राम कह सकते हैं, कच्चा चित्र से कह सकते हैं, एक बना दिया, क्रिएट कर दिया कि एक इस तरह से हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसका निकाल रहे हैं एरिया। एरिया हमने ये डी एक्स डॉट डी वाई डाला है, तो y हमने पीछे रखा है, तो इसका मतलब हमें जो ये स्लैट बनानी होगी, ये स्लैट जो बनेगी वाई एक्स के सिमेट्रिक बनेगी, या वाई एक्स के पैरेलल बनेगी। तो वाई एक्स की पैरेलल हमने इस स्लॉट को बना दिया, तो ये हो गया हमारे पास। और एक्स की रेंज कहाँ से, जीरो से ए, जो कि हमने फर्स्ट रेंज होगी, और सेकंड रेंज कहाँ से होगी, जीरो टू, और ये इस ग्राफ तक, यानी ये ग्राफ क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है वाई बराबर फोर ए स्क्वायर टू ए माइनस एक्स वन अपॉइंट टू, यानी एक्स, ये ग्राफ, ये रेंज है, यहाँ तक का ये हमारे पास प्लॉट बन गया। तो यहाँ से वाई की रेंज आ चुकी है हमारे पास। अब यहाँ से हम एरिया निकालते हैं इसका। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, टू क्रॉस एरिया ऑफ पॉजिटिव क्वाड्रेंट का हम एरिया निकाल रहे हैं। तो रेंज हुई हमारे पास टू से, टू क्रॉस जीरो टू टू ए, जो कि एक्स की रेंज थी, और जीरो से टू ए माइनस एक्स फोर अपॉन रूट टू, जो कि इसका एक, इसी का हमने सॉल्व करके लिखा है, क्योंकि फोर ए स्क्वायर को बाहर ले गए तो ये टू ए हो गया। यहाँ से सॉल्व करके हमने वहाँ पे लिख दिया इसको। अब फ्रेंड्स, यहाँ से पहले हम बाई के करस्पॉन्डिंग करेंगे, तो बाई के करस्पॉन्डिंग सिंपली
वन हो जाएगा, वन होगा या वन है तो ये वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू जीरो से टू ए कोष्टक बंद, जीरो से टू ए, टू ए माइनस एक्स अपॉन एक्स का वन बाई टू डी वाई ऑफ डी एक्स। तो वाई का ऐसे करेंगे तो वाई हो जाएगा ओनली, क्योंकि कुछ भी नहीं है, वन कांस्टेंट है वाई, और रेंज हो जाएगी जीरो से टू ए, टू ए माइनस एक्स अपॉन एक्स का की पावर वन बाई टू। तो ये हमने रेंज पुट की, उसके बाद रेंज को अप्लाई किया, तो रेंज को अप्लाई करने पर आएगा जीरो से टू ए, ए डॉट टू ए माइनस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स। तो इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको फोर ए जो ए है ये बाहर आ जाएगा, तो फोर ए जीरो से टू ए रूट टू ए माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, रूट को हटाना है और किसी तरह से इसको इंटीग्रेशन के लायक बनाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या किया, एक्स बराबर टू ए साइन स्क्वायर थीटा, हमने एज्यूम किया कि एक्स बराबर जो वैल्यू है वो टू ए साइन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि अगर हम ये एज्यूम करते हैं तो रूट टू ए से रूट टू ए कट जाएगा, और डी एक्स बराबर आ गया फोर ए साइन थीटा डी थीटा। तो एक्स की रेंज भी चेंज हो जाएगी, एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, एक्स की रेंज होगी हमारे पास एट, अगर जैसे जीरो है, एक्स जीरो है तो थीटा भी जीरो होगा, अगर एक्स टू ए तो टू ए जी हो जाएगा हमारे पास, एक्स अगर टू ए है तो टू ए बराबर टू ए साइन स्क्वायर थीटा, यानी वन बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और ये वन कब होता है जब पाई बाई टू हो साइन की वैल्यू, तो इसकी रेंज हो गई हमारे पास पाई बाई टू, यानी जीरो से पाई बाई टू इसकी रेंज हो चुकी है। और ये फोर ए जो आया ये बाहर ले लिया, फोर ए हो गया सिक्सटीन ए स्क्वायर जीरो टू पाई बाई टू रूट सो टू ए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये यहाँ से हमने क्या किया, एक्स बराबर सिंपली टू ए साइन स्क्वायर थीटा रखा है, तो टू ए कॉमन आ गया, ये हो गया टू रूट टू ए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और रूट टू ए साइन स्क्वायर थीटा। तो टू रूट टू ए से रूट टू ए कट जाएगा, और ये हो जाएगा कोस थीटा और ये साइन थीटा, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा कट जाएगा, तो ये हो गया सोलह सिक्सटीन ए स्क्वायर जीरो टू पाई बाई टू कोस स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा। अब यहाँ से हमने क्या किया है, गामा फंक्शन का यूज किया है। गामा फंक्शन क्या कहता है फ्रेंड्स, गामा फंक्शन होता है हमारे पास वो होता है, गामा फंक्शन होता है जीरो टू पाई बाई टू कॉस की पावर एन एक्स साइन की पावर एन एक्स ऑफ डी एक्स बराबर गामा एम प्लस वन अपॉन टू गामा एन प्लस वन अपॉन टू अपॉन टू गामा एम प्लस एन प्लस टू अपॉन टू, जहाँ पे गामा एम प्लस वन अपॉन टू बराबर होता है एम माइनस वन टू की फैक्टोरियल, ये होता है, और जहाँ पे गामा वन बाई टू आ जाता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास रूट पाई। तो ये वैल्यू होती है हमारे पास, यहाँ से हमने ये किया है, ये टू था तो टू एम बराबर टू, तो यहाँ हो गया टू, अगर यहाँ पुट करते हैं तो टू प्लस वन अपॉन टू यानी कि थ्री अपॉन टू, तो ये गामा थ्री बाई टू, यहाँ साइन की कुछ भी नहीं थी तो साइन जीरो ले सकते हैं, साइन जीरो थीटा, तो साइन जीरो थीटा क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन जीरो थीटा की वैल्यू वन ही होती है साइन पावर जीरो थीटा ये, तो जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन अपॉन टू, तो ये हो गया हमारे पास गामा वन बाई टू, तो ये हो गया गामा वन बाई टू, ये सिक्सटीन ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमने टू प्लस जीरो प्लस टू अपॉन टू करेंगे, तो जैसे ये हो गया टू प्लस जीरो प्लस टू अपॉन टू, और ये पार्ट नीचे वाला पार्ट था, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया फोर अपॉन टू एन टू, तो टू गामा टू। अब फ्रेंड्स गामा टू की वैल्यू क्या होती है, सॉरी गामा टू की वैल्यू होती है हमारे पास वन फैक्टोरियल, एंड गामा एन की वैल्यू होती है एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और गामा थ्री बाई टू की वैल्यू जो होगी वो होगी वन बाई टू डॉट गामा वन बाई टू, और गामा वन बाई टू की वैल्यू होगी रूट पाई। तो गामा वन बाई टू दो जगह है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे भी गामा वन बाई टू आएगा इसमें जब इसको खोल के रखेंगे, तो ये भी गामा वन बाई टू, तो उसकी वैल्यू पाई हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने पाई पुट कर दिया, और ये वन बाई टू जो था ये वन बाई टू यहाँ पे आ गया, और सिक्सटीन ए स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हो गया, नीचे फोर आ जाएगा ये इससे, और इन दोनों से कट के फोर पाई ए स्क्वायर, फोर पाई ए स्क्वायर जो कि इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स।